भारत में काफी विरोध झेलने के बाद रिलीज हुई विवादित फिल्म पद्मावत को अब मलेशिया के सिनेमाघरों में रिलीज होने से रोक दिया गया है। मलेशिया के नेशनल फिल्म सेंसरशिप बोर्ड ने भंसाली की फिल्म पद्मावत को देश में रिलीज पर रोक लगा दी है। बता दें कि एलपीएफ के अध्यक्ष अजीज ने एक बयान में कहा कि फिल्म की कहानी इस्लाम की संवेदनशीलता को छूती है। यह अपने आप में मलेशिया एक मुस्लिम बहुल मुल्क में एक बड़ी चिंता का विषय है। 16वीं सदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत पर आधारित इस फिल्म का देश में राजपूत संगठन राजपूत कर्णी सेना ने ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए काफी विरोध किया था। काफी मशक्कत के बाद फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो पाई, जहां रिलीज के बाद फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वहीं अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये फिल्म मलेशिया के सिनेमाघरों में रिलीज हो पाती है या नहीं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।